गुड मॉर्निंग चैम्पियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वेल प्लेइंग एट योर होम. माई डियर स्टूडेंट, दिस इज योर कन्वर्सेशन क्लास टूडे. लेट्स डू सम कन्वर्सेशन रिलेटेड विद टॉपिक फ्रूट्स. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड प्लीज ब्रिंग योर कन्वर्सेशन बुक एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 23. Let's start, students. Fruits are very important for our health. They protect us from many diseases. Read the conversation between the teacher and students about different fruits and their importance. Students, आज का जो chapter है fruits का, उसमें हम fruits की importance के बारे में read करेंगे. Fruits हमारी health के लिए बहुत important है. ये हमें हेल्दी रखते हैं और हमें जो फ्रूट्स हैं हमें काफ़ी बीमारियों से बचाते हैं. सो ये हम कन्वर्सेशन रीड करेंगे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच. टीचर पूछेगी कि स्टूडेंट से कि फ्रूट्स के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स कौन से हैं इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. टीचर, सुरेश, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट? सुरेश, सर आई लाइक मैंगोज. टीचर बोल रहे हैं, मैम पूछ रही है सुरेश से, आप कौन सा फ्रूट लाइक करते हो? सुरेश बता रहा है मैम को, सर को, कि सर आई लाइक मैंगोज. सर पूछ रहे हैं कि सुरेश आप कौन सा फ्रूट लाइक करते हो? सुरेश बोल रहा है कि सर मैं मैंगोज खाना लाइक करता हूँ. टीचर, विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स? सुरेश, मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. सर पूछ रहे हैं कि किंग ऑफ फ्रूट्स किसको बोला जाता है? किस फ्रूट को हम किंग ऑफ फ्रूट कहकर पुकारते हैं? मैंगो को. किसको? सुरेश ने बताया कि मैंगो को हम किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं. नेक्स्ट टीचर, तन्मय, व्हाट अबाउट यू? तन्मय बोला, सर आई लाइक एप्पल्स. सर अब पूछ रहे हैं तन्मय कि आप बताओ आप कौन सा लाइक करते हो? तन्मय बोला, सर आई लाइक एप्पल्स, मैं एप्पल्स लाइक करता हूँ. नेक्स्ट टीचर, व्हाई डू यू लाइक एप्पल्स? सर ने पूछा, आप एप्पल्स क्यों लाइक करते हो? तन्मय, सर बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. फ्रेंड्स, आपको पता है ना, जो एप्पल है बहुत ही हेल्दी है हमारे लिए. डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि एक डॉक्टर, आप डेली 1 एप्पल खाओगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे. सो नेक्स्ट है टीचर, अक्षय, नेमा सीडलेस फ्रूट्स. अक्षय, सर इट इज़ बनाना. सर कहते, आप मुझे नेम बताओ जिसके में जिसमें कोई सीड नहीं होता. किसमें नहीं होता? बनाना में. अक्षय ने बताया कि सर इट इज़ बनाना, के बनाना में कोई सीड नहीं होता. टीचर, गुड. राधिका, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? सर आई लाइक ग्रेप्स. सर ने राधिका से बोला कि आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है? तो राधिका ने बोला, सर आई लाइक ग्रेप्स, मैं ग्रेप्स लाइक करती हूँ खाने. टीचर, व्हाई डू यू लाइक ग्रेप्स? सर ने पूछा, आप क्यों पसंद करते हो ग्रेप्स बना? द जूस ऑफ ग्रेप्स इज गुड फॉर अवर हेल्थ. तो राधिका ने बोला, जो ग्रेप्स का जूस है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है. टीचर, चिल्ड्रन एंड ऑरेंज आल्सो हेल्दी फ्रूट, इट इज़ ए रिच इन विटामिन सी. सर ने बताया कि बच्चों के जो ऑरेंज है वो भी एक हेल्दी फ्रूट है और इसमें भारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. ओके, जो हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. अनुराग, सर अ पपाया इज आल्सो अ गुड फ्रूट. अनुराग ने बोला, सर पपाया इज आल्सो, पपाया भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है फ्रूट. टीचर, यस पीपल सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस एंड एडवाइस टू ईट पपाया. बच्चों, सर ने बताया कि जिनको जॉन्डिस हो जाता है वो उनको क्या खाना चाहिए? पपाया. मीन्स के जिसको हम क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं बच्चों, उनको अगर
किसी को पीलिया हो जाता है तो उन्हें क्या खाना चाहिए? पपाया। ठीक है सर, इट्स टोमेटो अ फ्रूट और अ वेजिटेबल? रश्मि ने पूछा सर से कि टमाटो फ्रूट है कि वेजिटेबल है। सो सर ने बताया टमाटो इज अ फ्रूट, के टमाटो एक फ्रूट है। टीचर, विच फ्रूट इज आल्सो द नेम ऑफ अ कलर? रितिका, सर इट इज एन ऑरेंज। सर ने पूछा विच फ्रूट, वो कौन सा फ्रूट है जिसका नेम कलर के नेम पे है? रितिका ने बताया सर वो है ऑरेंज, ऑरेंज का नाम भी सेम है और उसका कलर भी सेम है। राशि, सर पीच आल्सो इट इज बोथ अ कलर एंड द नेम ऑफ अ फ्रूट? राशि ने बताया सर पीच भी एक ऐसा फ्रूट है जिसका नेम और भी कलर सेम है। टीचर ने बोला बहुत अच्छा, जब आपको मैम पूछती है, आपको कोई क्वेश्चन पूछती है, आप आंसर तो बोलते ना गुड, ऐसे सर ने बोला बहुत अच्छे। तरुण, विच फ्रूट कम्स ओनली इन द मंथ ऑफ जून? टीचर, लीची कम्स इन द मंथ ऑफ जून। तरुण ने पूछा कि सर वो कौन सा फ्रूट है जो जून के मंथ में आता है ओनली? तो सर ने बताया कि जो लीची फ्रूट है वो ओनली जून के मंथ में आता है। टीचर, टीना, टीचर चेरीज आर आल्सो वेरी टेस्टीज? टीचर, यस दिस कम्स ओनली इन द समर। टीना ने बोला कि सर के चेरीज बहुत टेस्टी होती हैं और सर ने बताया यस वो बहुत टेस्टी होती हैं और ये जस्ट समर सीजन में आती हैं, मीन्स कि ये गर्मियों ही में ही आती हैं। ओके ललित, टीचर विच फ्रूट कीप अस कूल इन दिस हॉट वेदर? सर ने बताया वाटरमेलन कीप्स अस कूल, नाउ फील यू विल बी एबल टू मेक लिस्ट ऑफ समर फ्रूट्स एंड विंटर फ्रूट्स। ललित ने पूछा सर से कि सर वो कौन सा फ्रूट है जो हमें हॉट वेदर में कूल करता है? वो है वाटरमेलन कीप अस कूल। सर ने बताया कि वाटरमेलन हमें गर्मियों में खाना चाहिए, वो ठंडा फ्रूट होता है। सो सर ने बोला नेक्स्ट कि अब आप स्टूडेंट्स लिस्ट बनाओगे वन, उसमें आप टू लिस्ट बनानी, आपने लिस्ट बनानी है, उसमें आपने लिखना है वन साइड समर फ्रूट्स नेम और दूसरी साइड लिखना है विंटर फ्रूट्स नेम। ओके स्टूडेंट्स ने बोला ओके सर, टीचर बोला गुड। ओके आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस फ्रूट्स टॉपिक वेरी वेल, सो रिवाइज इट अगेन एट योर होम विद द हेल्प ऑफ योर टीम स्टूडेंट्स with the help of your parents, sisters. Okay, thank you, have a nice day.